आपने किया। मैंने कौन सा पाप किया था जब मैंने पेंशन बढ़ाई? मैंने कौन सा पाप किया था जब मैंने 27% अपने पिछड़ी जाति के आरक्षण का निर्णय लिया? नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दोपहर करीब 12:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री को सुनने बड़ी संख्या में लोग सभा स्थल पहुँचे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि राजनीति का स्वरूप कैसा हो गया, हमारे देश का संविधान कहां जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब सब बिकने लग जाएंगे तो फिर गांवों में सरपंचों की भी बोली लगेगी। इन लोगों ने प्रदेश को कलंकित किया, हमने वोट से सरकार बनाई थी, इन्होंने नोट से सरकार बनाई। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि हमें कैसा प्रदेश सौंपा था जो भ्रष्टाचार, बलात्कार और कर्ज में नंबर वन था। हमने सुधारों से शुरुआत की थी, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज एक्टिंग में सलमान और शाहरुख को पीछे छोड़ देंगे, इन्हें शर्मानी चाहिए। शिवराज झूठी घोषणाएं करते हैं, साल में आधे उद्योग धंधे बंद हो गए। कमलनाथ ने कहा कि फसल नष्ट हुई और वास्तविक किसान को मुआवजा नहीं मिला। आज का इंसान सब कुछ समझता है। मंत्री गोविंद सिंह को नसीहत देते हुए कमलनाथ ने कहा कि मैं गोविंद सिंह से कहना चाहता हूं कि जनता पर दबाव डालना बंद कीजिए, जनता जवाब देगी। कमलनाथ ने कहा कि सागर को विकास की जरूरत है, छिंदवाड़ा और सागर में अभी अंतर है, हम सागर का विकास करेंगे। सभा के अंत में कमलनाथ ने कहा कि इनके 15 साल में प्रदेश की हालत बदतर हुई, मध्य प्रदेश का भविष्य आप जनता के हाथ में है। कमलनाथ के साथ मंच पर पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, हर्ष यादव, विधायक राहुल सिंह, तवर सिंह, संजय शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि तथा कांग्रेस के नेता मौजूद थे। सागर जैसी नगर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। मैंने कौन सा पाप किया था जब मैंने पेंशन बढ़ाई? मैंने कौन सा पाप किया था जब मैंने 27% अपने पिछड़ी जाति के आरक्षण का निर्णय लिया? कौन सा पाप मैंने किया था? ये आप सबके सामने है और मैं तो आपसे कहता हूं, इनके 15 साल देख लेना, स्कूल में शिक्षक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के पास दवाई नहीं, टंकी की का पाइप नहीं, खंभे में तार नहीं, तार में बिजली नहीं। ये तस्वीर किसान बिना काम के, किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के। जनता पूछ रही है, शिवराज तुम किस काम के? आपकी दुनिया कुछ और थी, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज ये नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान वो एक तरफ है, आज का नौजवान जो भटक रहा है, यही नौजवान जो यहां खड़े हैं। आप नारे लगा रहे हैं, आप ही मध्य प्रदेश के भविष्य हैं, आप ही मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, पर अगर आपका भविष्य अंधेरे में रहा, कैसा मध्य प्रदेश बनेगा भविष्य में? ये नौजवान में जो तरफ है, कोई ठेके की तरफ नहीं है, कोई कमीशन की तरफ नहीं है, ये तो व्यवसाय का मौका चाहते हैं, ये अपने हाथों को काम चाहते हैं। और शिवराज जी, आपने तो 15 साल में जितने उद्योग मध्य प्रदेश में लगे नहीं, उससे ज्यादा उद्योग तो बंद हो गए। मैं चाहता हूँ चुप रहिए, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने आके कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया, आपने मुझे हिम्मत दी, आपने मुझे बल और शक्ति दी, आपने मुझे मेरा खून बढ़ाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आए हैं क्योंकि आप कांग्रेस की संस्कृति में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं,
सब समाज को जोड़ के रखते हैं, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति और यही भारत की संस्कृति है। और यही है कि भारत की विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न रस्म, विभिन्न त्योहार एक झंडे के नीचे खड़ा है। यही भारत की संस्कृति है और यही कांग्रेस की संस्कृति है। आजादी के बाद कितनी बड़ी चुनौती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने, कितनी बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसा देश जो पूरे विश्व में नहीं है, कौन सा ऐसा देश है जहां इतनी जातियां हों, इतनी भाषाएं हों, इतनी धर्म हो। आज यहां से दक्षिण जाते हैं हमारी धोती भी बदल जाती है, लुंगी बन जाती है, सही बात है ना। हमारे माता और बहनों की साड़ी पहनने का तरीका बदल जाता है, हमारी पूजा पाठ भी थोड़ी अलग हो जाती है। सब धार्मिक है पर सबका अपना अपना रवैया हो। उन्होंने सौंपा ऐसा प्रदेश जहां आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर वन, बेरोजगारी में नंबर वन, भ्रष्टाचार में नंबर वन, महिला पर अत्याचार पर नंबर वन, ऐसा प्रदेश मुक्ति को सौंपा। कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे सामने? हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती, हमारे किसान जिसका जन्म कर्जे में होता है, जिसकी मृत्यु कर्जे में होती है, हम कृषि क्षेत्र में कैसे क्रांति लाए? हमने शुरुआत करी कर्जा माफ की। अब जिनका कर्जा माफ हुआ है गवाह है, अपने प्रदेश के लगभग 27 लाख किसान गवाह है कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरी किस्त चालू थी, तीसरी किस्त हम जून से शुरू करने वाले थे, जहां हर किसान का कर्जा माफ हुआ। और शिवराज सिंह जी कहते किसानों का कर्जा नहीं माफ हुआ। हाँ शिवराज जी, हमने आप जैसे किसानों का कर्जा माफ नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। हम उनका किसान का कर्जा माफ करेंगे जो गरीब किसान है, जो इनकम टैक्स देने वाले, जो बड़े बड़े पद पर रहने वाले किसान है, उनका कर्जा हम माफ नहीं करते। ये शिवराज सिंह जी समझ ले। मैं तो कहता हूँ शिवराज जी, आप यहाँ आते इतनी सारी बातें करते, चलिए खड़ा रहेंगे मंच पर मेरे साथ, ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी कैसे आपने हमारे किसानों को। कहते मैं किसान का बेटा हूं। सन 85 में 35 साल पहले जब ये नौजवान यहां खड़े हैं, इनका बहुतों का जन्म भी नहीं हुआ था, मैं विट्ठल भाई पटेल की चुनावी सभा में आया था। उस समय तो मैं जवान था, ये मत सोचिएगा आप जवान नहीं हो, आज भी जवान हूं और आज यहां आकर मुझे वही जवानी याद आती है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि 35 साल बाद मैं जैसी नगर आ रहा हूं। लेट जाते हैं मंच पर, ये तो इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाए शाहरुख खान और सलमान को भी शर्मा देंगे, और कम से कम मध्य प्रदेश का नाम तो रोशन करेंगे एक्टिंग में। ये एक्टिंग कर लेते हैं, एक्टिंग आते कर लेते हैं, कुछ शर्म आनी चाहिए। 15 साल आपने झूठ बोला, जगह जगह जाके घोषणाएं करी, 15,000 घोषणाएं शिवराज सिंह ने करना नहीं थी, पर अभी वहीं पहुंच जाते हैं फिर से घोषणा कर देते हैं। तो ये सब तस्वीर आपके सामने, कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी? हमारे संविधान की नींव ना हिलाए, पर अगर बिकने लग जाएंगे तो अब अगली दफे सरपंच के चुनाव की भी जरूरत नहीं है, गांव में बोली बोल लेना और सरपंच बन जाएगा। ये हालात होने वाले हैं। मैं तो कहता हूं बुजुर्गों से कहता हूं, अपने माताओं से कहता हूं, आपको इस संविधान की रक्षा करनी है, आपको इन नौजवानों को आगे आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करनी है, क्योंकि ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया था, हमारे भारत का, जिस पर हमें गर्व है। पूरे विश्व में जाओ भारत के संविधान का जिक्र होता है और आज क्या पहचान बनी पूरे देश भर में। जाओ कहते हैं मध्य प्रदेश तो बिकाऊ प्रदेश है, सागर सुर्खी की बात करो कहेंगे
सागर सुर्खी तो बिकाऊ जगह है, बकाऊ क्षेत्र है। कितना कलंकित किया, कितना कलंकित किया हमारे प्रदेश को, हमारे सागर और सुर्खी को कितना कलंकित किया। और सरकार बनानी थी, शिवराज जी को इतनी तड़प थी, 15 साल मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का रहा, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई, हमने वोट से सरकार बनाई, इन्होंने नोट से सरकार बनाई। और आप गवाह हैं, छोटा सौदा तो छिप जाता है पर बड़ा सौदा छिपता नहीं है। ये कितना बड़ा सौदा किया, ये आज तस्वीर आप सबके सामने। 15 साल के बाद कांग्रेस की सरकार 15 महीने के लिए बनी, कैसा प्रदेश हमें सौंपा। 13 तारीख के बाद भविष्य आपके हाथ में है। गोविंद सिंह की बात हो रही थी, मैं तो कह देना चाहता हूं गोविंद सिंह जी, ये दबाव की राजनीति 13 तारीख तक कर लीजिए, 3 तारीख के बाद ये जनता आपको दबाव दिखाएगी, ये जनता आपको दबाव दिखाएगी। और ये आपने बहुत शोषण कर लिया, ये जनता पर आप दबाव डालना चाहते हैं। 18 दिन बचे हैं, गोविंद राठौर जी याद रखिएगा, ये तो आपका हिसाब लेंगे, जनता आपका हिसाब लेगी, कमलनाथ भी आपका हिसाब लेंगे। देखो कमलनाथ कितने विकास की जरूरत, आप छिंदवाड़ा से ज्यादा दूर नहीं, आप में से लोग भी बहुत सारे गए हैं छिंदवाड़ा और सागर में अंतर लगता है ना, लगता है, क्योंकि सेवा करी मैं वैसी सेवा मैं और पारुल मिलके आपकी करेंगे और सागर का सुर्खी के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। अगर आपने अपनी कमर ठान ली जो आए हैं, जो भी मेरे साथी हैं मंच पर बैठे हैं, आपने अपनी कमर ठान ली, कोई नहीं रोक सकता। 10 तारीख को जब गिनती होगी, कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनौती थी कि कैसे अपने देश को एक रखें। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, बाबा साहब अंबेडकर ने प्रावधान रखा कि अगर कोई विधायक या सांसद नहीं रहे तो उपचुनाव होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी देश में ऐसे सौदे की राजनीति हो जाएगी जहां हमें उपचुनाव करना पड़ेगा, या बिकाऊ राजनीति हो जाएगी, बोली बोलने की राजनीति हो जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर ने इसका कोई प्रावधान नहीं, कि उन्होंने सोचा था कि अपने देश में भविष्य में ऐसी राजनीति, एक स्वच्छ और नैतिक राजनीति होगी, उन्होंने ये कभी सोचा नहीं था। और यही आज तस्वीर आप सबके सामने है, किस प्रकार की राजनीति, और हमारा कहां जा रहा है संविधान, हमारा कहां जा रहा है प्रजातंत्र। ये प्रजातंत्र तो हमारे नौजवान और आगे आने वाली पीढ़ियों का है, ये उपचुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथ में है, हमारे पारुल साहब जी तो हमारा चिन्ह है, इस चुनाव की चिन्ह है। ये समाज सेवक रही है, इनके परिवार से मेरे बहुत पुराने संबंध है, संतोष साहू जी से। पारुल साहू जी राजनीति व्यक्ति नहीं है, ये समाज सेविका है, और मुझे पूरा विश्वास है ये तो आपकी सेवा करेंगी। और मैं इनसे कहना चाहता हूं, मेरा कुर्ता भी खींच लेना अगर तेरी मदद ना हो। और लोकसभा चुनाव और आचार संहिता का 1 महीना गया सौदेबाजी में, मेरे पास तो 11.5 महीने थे, और 11.5 महीने उसमें मैंने प्रयास किया कि हमारा नौजवान का भविष्य सुरक्षित रहे, हमारा नौजवान को कोई मौका मिले। मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश में विश्वास का माहौल बने, तभी तो निवेश आएगा।
कोई मध्य प्रदेश में निवेश नहीं लगाएगा। अरे उसको मध्य प्रदेश पर विश्वास था, ये मेरा प्रयास था। कौन सी गलती मैंने करी? विश्वास थे, मैंने प्रयास किया कि एक नई पहचान बने, मध्य प्रदेश में निवेश आए, मध्य प्रदेश में निवेश आए, आर्थिक गतिविधि बने, उद्योग बनाएंगे। आर्थिक गतिविधि बनेगी, कोई गाड़ी चला लेगा, कोई मरम्मत का काम कर लेगा, कोई होटल खोल लेगा, आर्थिक गतिविधि बनेगी। शिवराज जी ने तो मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से बनाई थी। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध चालू किया, मैंने मिलावट के खिलाफ युद्ध चालू किया, शुद्ध का युद्ध चालू किया। कौन सी गलती मैंने करी थी? मैं तो पूछना चाहता हूं आप सबसे, कौन सी गलती करी थी जब मैंने कहा मैं गौशाला बनाऊंगा? कितने सारे गौशाला जो पूरे देश भर में नहीं बने, मध्य प्रदेश में 15 महीने में बने। पिछले 15-20 दिन में मंडी के कितने कानून पास कर डाले, किस मंडी का निजीकरण, समर्थन मूल्य गए। क्या होगा हमारे किसान के बेटों को अगर हमारे किसान के पास क्रय शक्ति नहीं है, खरीदने की ताकत नहीं है? हमारे किराने की दुकान गांव में नहीं चलती, ये जैसी नगर का बाजार चलता है। जब किसान के पास खरीदने की ताकत होती है, क्रय शक्ति होती है, हमारा नौजवान की अच्छी पढ़ाई होती है, जब उसके परिवार के पास कुछ पैसा हो, कुछ ताकत हो, आर्थिक मजबूती हो, वो अच्छी कमीज पहन सकता है। अगर उसके परिवार के पास, उस किसान के पास कोई ताकत हो, पर मुआवजा नहीं, सोयाबीन की फसल चौपट हो गई, मुआवजा किसको मिला? और चिल्लाएंगे हमने 10,000 करोड़ रुपया दे दिया, हमने 15,000 करोड़ रुपया हो गया। ये सब आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? शिवराज जी वो समय गया जब जनता समझती नहीं थी, सही बात है ना? आज का नौजवान समझता है, आपकी एक्टिंग समझता है, आपकी कलाकारी समझता है, सौदेबाजी समझता है, ये सब समझता है और आज का नौजवान। और कितने दिन बचे? 1 तारीख को ये तंबू नहीं रहेगा, ये बैनर नहीं रहेंगे, ये पोस्टर नहीं रहेंगे, 1 तारीख के बाद